बाहर निकलने का अवसर कोई नहीं है, उसको पहले रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आया? देखिए सेटिस्फेक्शन तो उतनी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर ऐसा हम कोई सिस्टम चला रहे हैं, जैसे हम लोगों को कह रहे हैं आजकल कि हम उनको डोर पे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड रख सकते हैं, इसीलिए इसका मकसद ही ये है। माई टाउन माई प्राइड का मकसद ये है कि हम लोगों के पास जाए, लोगों का जितना भी काम हो हमसे हो सके हम उनको डिलीवर करें और डोर स्टेप पर करें, सबसे मकसद यही था। गवर्नमेंट को इसमें ये चाहिए था एनहेंस करना कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना और जो उनके हायर अप्स हैं उनको इस इन कैंपों में एज ए नोडल एजेंसी बिठाना, ताकि वो यहाँ पे लोगों की ग्रीवेंस जो है, जो छोटी मोटी ग्रीवेंस है, ताकि वो यहाँ पे ही मौके पे ही हल। इसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आइंदा से ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट के, अगर हमें एक दिन के बजाय दो दिन के बजाय 10 दिन भी ये प्रोग्राम चलाना पड़े, 20 दिन भी ये प्रोग्राम चलाना पड़े, मगर उन प्रोग्रामों में सबसे जो जिनके पास अथॉरिटी हो और जिनके पास कॉम्पिटेंस हो काम करने का, उन अफसरों को इनमें लाना, इनमें बिठाना, ताकि जब लोग आए, देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे अभी जेई बैठा है, उसके पास ये कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो यहाँ पे वो जो इशू लेके आते हैं लोग वो उनको हल करें। कॉम्पिटेंस तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास है, एसी के पास है, चीफ इंजीनियर साहब के पास है। तो उनको चाहिए था कि अगर ये 2 दिन का प्रोग्राम उन्होंने रखा था, 20 दिन का रखते, ताकि जब हम कैंप लगाते इसमें सारे वो अफसर अवेलेबल होते जिनको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिनके पास कॉम्पिटेंस है काम करने का।